हाउ टू क्रिएट अ न्यू क्लब। तो आज की वीडियो हमारी जो है ना इसी टॉपिक पे रहेगी, किस तरह से आप खुद का जो है ना क्लब बना सकते हैं। बहुत से भाइयों का मुझे कमेंट आता था कि भाई हम जो है ना खुद का क्लब किस तरह से बना सकते हैं, तो हमें जो है ना बताएं तरीका कैसे जो है ना भाई हम खुद का क्लब बनाएं क्रिकेट लीग के अंदर। ठीक है, तो आज की वीडियो का जो टॉपिक है इसी पर होने वाला है, किस तरह से मैं आपको बताने वाला हूँ क्लब खुद का जो है ना आप बना सकते हैं या किसी दूसरे के क्लब में आपने ज्वाइन होना है उसके ऊपर भी बात करेंगे। तो अगर आपको वीडियो वगैरह अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से करें इस तरह की और भी अमेजिंग वीडियो के लिए। तो सबसे पहले नीचे आपको क्लब का ऑप्शन देखने के लिए मिलता है, सिंपली इसके ऊपर क्लिक करें। यहाँ पर ऊपर की साइड आपको दो ऑप्शन देखने के लिए मिलती हैं, एक क्लब और दूसरा क्रिएट। तो सबसे पहले जो क्लब के अंदर यहाँ पर आप देख सकते हैं जितने भी न्यू भाई क्लब जो बनाते हैं ना, तो यहाँ पर आपको क्लब देखने के लिए मिल जाएंगे। यहाँ से आप किसी भी क्लब में ना ज्वाइन हो सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा ऊपर आपको सर्च का ऑप्शन देखने के लिए मिलता है। जैसे कि अभी मैं जो है ना न्यू क्लब बना रहा हूँ, ठीक है, इसके अंदर आपको मेरा क्लब नहीं दिख रहा, तो यहाँ पर आप सर्च करके उसको जो है ना भाई सर्च करके देख सकते हैं, उसमें ज्वाइन हो सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर दूसरी जो ऑप्शन है क्रिएट की, तो सिंपली हम क्रिएट के ऊपर जो है ना क्लिक करते हैं और ये हमारा जो मेन टॉपिक है इसी पर होने वाला है। इसके अंदर हम जो है ना क्लब बनाएंगे, किस तरह से क्लब बनाना है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको चेंज यहाँ पर ऊपर जो है ना क्लब नेम और चेंज का ऑप्शन देखने के लिए मिला। पहले मैंने यहाँ पर जो लोगो रहेगा ना उसको भाई यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर जो शेप है ना वो यहाँ पर काफ़ी सारी आपको शेप देखने के लिए मिलेंगी। शेप कोई भी आपको अच्छी लगती है वो ले लें। उसके साथ ही आपको कलर का ऑप्शन देखने के लिए मिलता है, जो शेप है हमारी उसका कलर आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद ये ऊपर जो ईगल वाला आइकन है नीचे की साइड, आपको ईगल के अलावा और भी काफ़ी सारे आइकन देखने के लिए मिलेंगे। आइकन के अलावा काफ़ी सारे अच्छे अच्छे आइकन है, आइकन के अलावा इनका जो कलर रहेगा ना वो भी आप जो है ना भाई चेंज कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं इससे जो है ना हम सबसे पहले जो क्लब का लोगो रहेगा ना वो बनाने वाले हैं। ठीक है, तो क्लब का लोगो चलो ठीक है, हम ये जो है ना कलर ओके है। हम यहाँ पर नीचे जो क्रिएट का ऑप्शन है ना, सिंपली यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने उसके ऊपर क्लिप जो है ना क्लिक करके उसको ओके कर दिया और हमारा जो क्लब लोगो है वो चेंज हो चुका है। उसके बाद क्लब नेम की बात आती है, यहाँ पर मैं लिखने वाला हूँ टॉप गेमिंग ऑफिशियल, जो कि मेरा यूट्यूब का चैनल है उसी के ऊपर मैं जो है ना नेम रखने वाला हूँ। तो यहाँ पर स्पेस मैं डाल रहा हूँ, तो मेरा यार RID पहले भी है एक, शायद इसको चेंज कर लेते हैं। तो यहाँ हमने टॉप गेमिंग ऑफिशियल 2 लिखा था, लेकिन यार उसकी जो 2 के दरमियान में स्पेस थी वो नहीं आ रही थी। ठीक है ना, तो क्योंकि यार लिमिट इतनी है इसकी वर्ड की, तो यहाँ पर हमने स्पेस बिल्कुल ख़त्म कर दिया। टॉप गेमिंग ऑफिशियल बिल्कुल जो है ना ओके आ चुका है, तो इसको भाई हम जो है ना ओके कर लेते हैं। ओके करने के बाद उसके बाद बात करते हैं नीचे, आपको डिस्क्रिप्शन में अगर कुछ भी लिखना है वो लिख सकते हैं, तो अभी डिस्क्रिप्शन में हम कुछ नहीं लिखेंगे। पहले यहाँ पर बात करते हैं नीचे लोकेशन की, जहाँ पे हमारी जो है ना पाकिस्तान आ रहा है। इसके आगे आपको चेंज का ऑप्शन देखने के लिए मिलता है, हम इसके ऊपर सिंपली क्लिक करते हैं और यहाँ पर जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ से आप कोई भी जो है ना लोकेशन क्लब लोकेशन दे सकते हैं। जैसे कि यहाँ से मैंने सेंट किंटस एंड नेविस, पता नहीं क्या नेम था भाई, जल्दी में पढ़ लिया। ठीक है, ये दे दिया। उसके बाद क्लब टू आईप है, जो कि एक ओपन रखना चाहते हैं ओपन कर सकते हैं, अगर किसी को इनवाइट करना चाहते हैं तो इनवाइट कर सकते हैं, क्लोज करना चाहते हैं तो भाई कोई भी आपके जो क्लब में है नहीं आएगा। उसके बाद नीचे विनिंग रिक्वायरमेंट एनी, ठीक है, रिक्वायरमेंट ऑप्शन आती है। अगर आप चाहते हैं कि कोई आपके क्लब में भाई आप किसी को इन्वाइट करें, उसकी जो विनिंग है ना भाई हाई होनी चाहिए। उसके अलावा लो लेवल का क्लब हमारे जो है ना, सॉरी लो लेवल का प्लेयर इसमें नहीं आए, तो यहाँ से आप उसकी जो विनिंग है ना वो भाई बढ़ा सकते हैं, कुछ भी जो है ना जितनी विनिंग रखना चाहते हैं वो रख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद इनवाइट ओनली मैंने अभी किया है, लेकिन इसको भी मैं चेंज करके बाद में ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, और अब बात करते हैं डिस्क्रिप्शन में, तो यहाँ पर जैसे कि मैंने आपको बताया आप कुछ भी लिख सकते हैं। मैं लिख देता हूँ हेलो एवरीवन, ठीक है, तो एवरी मन लिखती है, इसको भी ओके कर लेते हैं। अब नीचे क्रिएट क्लब का यहाँ पर लोगो आ चुका है, जहाँ पर आप देख सकते हैं इसको मैंने ओपन कर लिया, और क्रिएट क्लब का यहाँ पर आप देख सकते हैं जहाँ पे आपको 100 जेम्स जो है ना भाई ज़रूरत होगी इस क्लब को क्रिएट करने के लिए, बनाने के लिए, जो कि हर किसी के पास को अगर कोई न्यू प्लेयर भी आता है ना उसके पास भी इतने जेम्स होते हैं। और ये जो भाई क्लब होगा ना लेवल 6 पे बनेगा, उससे पहले नहीं बनेगा, या किसी में ऐड होना है तो लेवल 6 पे। और यहाँ पर कंग्रेचुलेशन जैसे कि आपने देखा है आ चुका है, तो इस तरीके से हमने जो क्लब है ना वो भाई अपना जो है ना बना लिया। उसके बाद यहाँ पर ऊपर आपको ऑप्शन देखने के लिए मिलती हैं, ठीक है, यहाँ पर थर्ड डिवीज़न है, टू डिवीज़न है और फर्स्ट डिवीज़न है। अभी हम थर्ड डिवीज़न में हैं क्योंकि हमने अभी क्रिएट किया, हम विनिंग करेंगे।
तो उसके बाद नीचे इनवाइट का ऑप्शन था, वहाँ से आप किसी को भी जो है ना इनवाइट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैं दूसरी आईडी को इनविटेशन भेज के आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद ऊपर लीक्स आती है, तो लीक्स के अंदर आप देख सकते हैं अभी हमने न्यू क्लब क्रिएट किया है, इसलिए यहाँ पर कोई भी जो है ना विनिंग वगैरह नहीं आ रही और लीक के अंदर। उसके अलावा ऊपर यहाँ पर मैं माई क्लब के अंदर वापस आ चुका हूँ और मेरा जो नेम है ऊपर देख सकते हैं। उसके बाद भाई इसको आप चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है ना। तो बाकी उम्मीद करता हूँ यार आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, आपको पता चल गया होगा किस तरह से आप अपना खुद का न्यू क्लब जो है ना क्रिएट कर सकते हैं। और किसी क्लब में ऐड होना हो तो भाई वहाँ पर जैसे कि मैंने आपको बताया था ओपन का ऑप्शन आ रहा था और क्लब का ज्वाइन का ऑप्शन है, ठीक है, उसके अंदर आप इजीली जो है ना ज्वाइन हो सकते हैं। उसके अलावा अगर कोई भी टिप्स एंड ट्रिक आपको चाहिए तो कमेंट करके जो है ना मुझे बता सकते हैं, उसके ऊपर हो सके तो मैं वीडियो वगैरह जो है ना बना दूंगा, ठीक है। बाकी आज के लिए इतना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को ऑल नोटिफिकेशन में सेट जरूर से करिएगा। ओके दोस्तों, बाय बाय, थैंक फॉर वॉचिंग दिस।